बाहर की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, मैं राहुल हुड्डा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। जनपद मेरठ के फवारा चौक स्थित लाल कुर्ती में पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत एक व्यापारी के वाहन का चालान काट दिया गया। व्यापारी की मुख्य बाजार में रीगल टेलर की दुकान है। शनिवार सुबह दुकान खोलने बाजार पहुंचा था। उसी दौरान थाना लाल कुर्ती के पुलिसकर्मी बाजार में पहुंचे, जहां उन्होंने व्यापारी के साथ बदसलूकी की और भुगतने की बात कहकर वहां से लौट गया। टेलर व्यापारी ने मामले की जानकारी व्यापार संगठन के उपाध्यक्ष कुलदीप बत्रा को दी। गुस्साए व्यापारियों ने शनिवार को 12 बजे तक बाजार बंद कर विरोध प्रदर्शन किया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि व्यापारी अपने घर से मोटरसाइकिल से दुकान पर पहुंचा। इस दौरान पुलिस ने दुकान के सामने खड़ी उसकी बाइक का 2500 रुपए का चालान काट दिया। मामले की जानकारी लाल कुर्ती व्यापार मंडल के पदाधिकारियों को मिलते ही व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने व्यापारियों के साथ थाना पहुंचकर चालान काटने वाले पुलिसकर्मी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जहां व्यापारियों की थाना प्रभारी से नोकझोंक भी हुई। हालांकि थाना प्रभारी ने व्यापारियों को समझा बुझाकर मामले को शांत किया। उसके बाद व्यापारी अपनी अपनी दुकान खोलने को राजी हो गए और 12 बजे के बाद व्यापारियों ने अपनी अपनी दुकानें खोली। आइए जानते हैं क्या कहना है व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष का। सर, हमारा थोड़ा सा एक विरोध था कि हमारे जो व्यापारी भाई अपनी मोटरसाइकिल लाते हैं तो अपनी दुकानों को आके ही खड़ी करते हैं। तो कल जो है एक थाने इंचार्ज आए थे, उन्होंने जो है कुछ दुकानदारों के चालान काट दिए गए। कहने लगे सड़क पे खड़ी हुई है, इसके पेपर दिखाइए। पेपर दिखाए गए। पेपर दिखाने के बाद, पेपर चेक करने के बाद उन्होंने उनके 2500 रुपये के चालान भेज दिए गए। इसी विरोध में आज हमने व्यापार संघ अपना बंद रखा। 70 दुकानों का हमारा एक व्यापार संघ है लाल कुर्ती फवारा चौक का, इसके विरोध में हमने प्रदर्शन करा। आश्वासन दिया है हमारे इंस्पेक्टर साहब ने कि चालान ये खत्म हो जाएंगे, जो दो आदमियों के चालान काटे हैं। पैशन मोटरसाइकिल जी। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी।